पहली तस्वीर आप देखिए पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना की, जहां आज मतदान के दौरान हिंसा देखने को मिली। हरुआ विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से गोलियां भी चलने की खबर सामने आई। घटना में 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी तक किसी की भी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। इस तरीके की घटनाएं घटेगी आज, ये पूरा इलेक्शन कमीशन को सौंप चुके हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा तो ये बड़ी बड़ी अफसोस की बात है और इस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कोई हो नहीं रहे हैं देश में। और इस वक्त रिपोर्टर मनोज पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, आखिर ये स्थिति क्यों आई कि कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? सुबह से ही छिटपुट हिंसा हो रही है और खास करके जिस तरह नॉर्थ 24 परगना का हरुआ इलाका है, यहाँ पे जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पहले से मना कर दिया था कि वोटिंग नहीं देने जाना है। तो वहाँ पे ग्रामीण लोग जब वोट देने अपने पहुंचे तो अचानक वहाँ से फायरिंग की आवाज शुरू हो जाती है और भगदड़ मच जाती है। फिर इसमें कम से कम 24 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल होते हैं और जिनमें 4-5 लोगों की क्रिटिकल स्थिति है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जो अपनी जिंदगी और मौत से। मनोज, क्या इस मामले में किसी के ऊपर कोई केस भी फाइल किया गया है? ये अभी जिस तरह से कि पूरे मामले की जांच हो रही है, हालांकि किसी की गिरफ्तारी और किसी के ऊपर केस का इस तरह का मामला नहीं हुआ है, लेकिन ये मामला यहीं पे थमा नहीं। अभी कुछ देर पहले जो मीना देवी पुरोहित है, 22 नंबर वार्ड के काउंसिलर है, उनके घर के सामने बम फेंका गया। और बिल्कुल मनोज, जाहिर है इस तरीके की घटनाओं की वजह से जो है वोटर्स का ध्यान जरूर भटकता है। आप बने रहिए मनोज।